हमने मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए जो बच्चा था एक 4 साल का गर्भित, उसकी डेड बॉडी जो है हमने वहां से कोर्ट के आदेश से निकलवाई, यहां दफनाई हुई थी। उसके बाद उसके जो सैंपल्स थे पोस्टमार्टम कराने के बाद वहां FSL भिजवाए, तो FSL में रिपोर्ट में जो हमें मिला वो चौंकाने वाला तत्व मिला कि इसके अंदर बार्बोरेट जो ड्रग्स होता है वो उसके अंदर आ रहा था बच्चे के शरीर के अंदर, जिससे उसकी मृत्यु भी हो सकती थी। तो इसके बाद हमारा शक यकीन में बदल गया कि ये जो है मृत्यु जो है स्वाभाविक नहीं है, ये किसी ने मजर कराया इसके अंदर। फिर हमने आगे तफ्तीश अपनी चालू करी गई और IPS जो है प्रशांत किशोर उनके नेतृत्व में SHO जो हमीरवास हैं और उनकी टीम ने काफी मेहनत इसके अंदर करी, और जो जिन पे हमें शक था हमसे उन्होंने पूछताछ चालू करी, तो पता चला कि भूप सिंह पुनिया जो इन बच्चों का बाप था और जो लेडी जिनकी डेथ हुई थी उनका वो जो उसकी दादी थी उसकी मृत्यु इसी ने इन तीनों की मृत्यु करी है। एक की इसने जो मजर करा वो 31 तारीख को किया, एक 13 तारीख को गर्भित का और 28 फरवरी को अनुराग का। इन तीनों का मजर जो है जहर देके इसने जो भूप सिंह जो इन दोनों बच्चों का पिताजी है उसने ही इन तीनों को मारा था, और जिस चीज से मारा जिस जहर से मारा क्योंकि केमिस्ट है तो इसको जहर के बारे में और सब पता भी था, और इसने नेक पे भी सर्च करा था कि कौन सा जहर दिया जाए जिससे जल्दी मृत्यु हो जाए। तो इन तीनों का मजर इसने करा और ये चीज इसने एक्सेप्ट भी कर ली और ये बता भी दिया कि मैंने ये मृत्यु जो मजर कराया है वो मैंने कौन सा पॉइजन देके करा। हमने जब इससे कारण पूछा कि इसने ऐसा मजर क्यों करा, अपने बच्चों को ही मार दिया और अपनी दादी को मार दिया, तो ये बता रहा था कि मुझे शक था कि ये जो बच्चे हैं वो मेरे नहीं है और इसे अपनी पत्नी के चरित्र पे भी शक था, और इसलिए इसने ये डिसाइड करा कि मैं ये जो है इन सबको मार दूंगा। सबसे पहले इसने दादी को इसलिए मारा, इसका कहना था कि जो ये बच्चे हैं ये दादी के पास ही रहते थे और इसलिए इसको मुश्किल हो रहा था बच्चों को मारने के लिए। तो इसने सबसे पहले दादी की कस्तूरी जो है 31 जनवरी 2024 को उनका मर्डर करा जहर खिला के, फिर 13 फरवरी 2024 को गर्भित का और 28 फरवरी 2024 को अनुराग का, और इसने इसके जो दादा है घर में उन्हें भी मारने का प्रयास किया लेकिन उन्होंने वो जो दूध में मिला के दिया उन्होंने पिया नहीं, उनको कड़वा लगा। अपनी पत्नी को भी इसका प्लान था मारने का, उसको भी दिया था जहर लेकिन उसने भी पिया नहीं, उसको कड़वा लगा, उसने भी थूक दिया था। तो इसकी प्लानिंग थी कि घर में जितने भी लोग हैं मैं इन सबका मर्डर कर दूं। तो इसके दिमाग में एक फितूर आ गया कि ये मेरे बच्चे नहीं है, दुनिया में मेरा कोई नहीं है और मैं अकेला रह गया हूं, इसलिए इन सबका इसने मर्डर किया।